ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात जनेटा शरीफ में लगने वाले सालाना उर्स का आगाज हुआ। इस मौके पर दूर दराज से आए अकीदतमंदों ने दुआएं मांगी। कहा जाता है कि इस दरगाह पर आने वालों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। दरगाह के आसपास जहरीले सांप बिच्छू किसी को भी कभी नहीं काटते। जनपद संभल के मशहूर दरगाह जनेटा शरीफ के सालाना 4 रोजा उर्स का आगाज 10 जनवरी दिन सोमवार को सुबह फजर की नमाज के बाद खत्मे तिलावत कलाम पाक से किया गया। शहजादा नशीन की दुआ के साथ उर्स का बाकायदा आगाज हुआ। दरगाह पर उर्स को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नवाज जोहर को हजरत नौशे मियाँ का कुल शरीफ और शाम के बाद नवाज मगरिब हजरत मोती मियाँ का कुल शरीफ हुआ। रात को इंशा की नवाज के बाद उल्मा इकराम की तकरीर हुई। उसके बाद खानकाह पर शानदार नातिया मुशायरे का आयोजन हुआ। जनेटा उर्स एक कादरी चिश्ती 4 रोज तक चलेगा। शहजादा नशीन हजरत सैयद डॉक्टर शाहिद मियाँ कादरी नौशही ने जानकारी देते हुए बताया कि दरगाह पर उर्स चल रहा है। उर्स 4 दिन चलेगा। हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। 13 जनवरी को कुतुबुल अकताब मखदूम हजरत सैयद मोअज्जम मियाँ रहमतुल्ला अलैह के बड़े कुल शरीफ के साथ उर्स का समापन हुआ। दरगाह पर उर्स में शामिल होने वाले अकीदतमंद और मुरीदों के आने का सिलसिला बना हुआ है। जनेटा की बहुत ऐतिहासिक महत्व है, उर्स शरीफ का मौका है जी। आप सज्जन हसीने क्या कहना चाहेंगे? मैं अब्दुल्लाह बिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम लोगो सुनने अल्लाह रसूल करीम अम्मा बाद अब्दुल्लाह बिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो आजकल हालात चल रहे हैं कोविड के नज़रिए से, मैं लोगों से यही कहूँगा पूरा पूरा गाइडलाइंस का पालन करें, आपस में दूरी बना के रखें और मास्क लगाएं और बहुत ही एहतियात बरतें जिससे बीमारी का प्रकोप न बढ़े। जनेटा शरीफ की ओर से क्या पहल की जा रही है कोरोना गाइडलाइन को लेकर? लोगों को यही हम हिदायत कर रहे हैं कि लोग मास्क लगा के रहें, आपस में दूरी बना के रखें, डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इस उर्स की क्या विशेषता है? पहले जनेटा कहते थे, बाद में जनेटा हुआ, थोड़ा बताएंगे क्या है? 300 वर्ष पहले ये जहां हम और आप खड़े हैं इस आस्थाने पे, ये बंद था। ये गांव जो आप देख रहे हैं जिसको जनेटा शरीफ कहते हैं, ये आबाद नहीं होता था। यहां प्रेतों का गढ़ था, जिन्नातों का गढ़ था, ये आबाद नहीं होता था। जो लोग भी यहां तामीर करते थे वो गिर जाते। हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग कुतुबुल अकताब मखदूम जनेटा हजरत सैयदना मुअज्जम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सखर से दिल्ली तशरीफ लाए और दिल्ली से इनको यहाँ का हुक्म हुआ। उस ज़माने में ये बंद था, आपने आके यहाँ क़याम फरमाया। एक रिवायत ये है कि जिन्नातों ने पेरेतों ने आपसे ये कहा कि सरकार ये हमारी जगह है, आप यहाँ से कहीं और चले जाएँ। तो आपने फरमाया कि हमारा मसल्ला उठा दो तो हम चले जाएँगे। साहब सारे जिन्नातों ने जोर लगाया लेकिन आपका मसल्ला नहीं उठा। आपकी बारगाह में शेर भाव देता था। लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि यहाँ एक ऐसे दुर्वेश आए हैं जिनकी बारगाह में शेर भाव देता है, तो लोग आपके पास आने जाने लगे। हम मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए, ठाकुर तोमर बरगुजर। फिर आपने इस गांव की सभी बुनियाद रखी जिसका नाम जिनहटा रखा गया, जो अब जनेटा कहलाता है। उसके बाद से यहाँ ये सब उर्स वगैरह का आयोजन शुरू हुआ। कितने वर्षों से यहाँ उर्स हो रहा है? ये तो लगभग 300 साल तो हो ही गए होंगे, 300 साल या इससे ज़्यादा लगभग। पौराणिक इतिहास क्या है सर इसका, जनेटे का पौराणिक इतिहास जी? लगभग कितने वर्षों से यहाँ उसका आयोजन है और क्या इसकी विशेष महत्ता है? यहाँ महिलाओं का पुरुषों की सारी दुआएं कबूल होती है, हमने ऐसा सुना है जी। यहाँ लोग आते हैं,